What's up guys, I'm Rohit Khurana and welcome to Cookbook by Rohit. Happy New Year to all of you. Welcome to a new year. आज फिर से नई रेसिपीज आना स्टार्ट हो जाएंगी और पहली रेसिपी बन रही है आज Cookbook by Rohit पर। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो बच्चों को काफी पसंद आने वाली है। चीजी मसाला मैक्रोनी बना रहा हूँ आज। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। साथ ही मैं पास्ता को परफेक्टली बॉईल कैसे करते हैं वो भी बताने वाला हूँ। उसके बाद बॉईल्ड पास्ता को एक चटपटे मसाले में टॉस करके लास्ट में चीज़ ऐड करी जाती है और बहुत ज़बरदस्त लगती है खाने में। चीज़ी मसाला मैक्रोनी बनाने के लिए मैक्रोनी को बॉईल कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में पानी लेंगे, पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। एक बार पानी गर्म हो जाए फिर इसमें ऐड करेंगे नमक। दोस्तों नमक थोड़ा सा ज्यादा ऐड करेंगे और साथ ही में ऐड करेंगे एक टेबलस्पून तेल। पानी एक बार रोलिंग बॉइल पर आ जाए फिर ऐड करेंगे एक कप मैक्रोनी। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 8 से 10 मिनट के लिए ढक के पकने देंगे। दोस्तों पास्ता को ओवर बॉइल करना बहुत ही आसान है, इसलिए जब भी आप पास्ता खरीदते हैं उसके पैकेट के बैक साइड पर देखें, उस पर लिखा होता है कितनी देर उबालना है। लगभग 8 मिनट हो चुके हैं ढक के पकाते हुए और पास्ता एकदम परफेक्टली बॉयल हो चुका है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब इनको एक छन्नी में ट्रांसफर कर देंगे ताकि जितना भी एक्सेस पानी हो वो निकल जाए। छन्नी में ट्रांसफर करने के बाद एक टीस्पून तेल डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लेंगे। तो मैक्रोनी को परफेक्टली बॉईल कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब चीजी मसाला कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। अब एक पैन लेंगे, उसमें एक टेबलस्पून तेल और एक टेबलस्पून बटर डालेंगे। बटर मेल्ट हो जाए फिर ऐड करेंगे एक टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक को एक मिनट के लिए पका लेंगे। फिर ऐड करेंगे एक मीडियम साइज प्याज चॉप करके। साथ ही में ऐड करेंगे एक टेबलस्पून धनिया की डंठल और हरी मिर्च चॉप करके। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक प्याज ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। प्याज एक बार ट्रांसलूसेंट हो जाए फिर ऐड करेंगे एक मीडियम साइज टमाटर चॉप करके। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। टमाटर को 2 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद गैस का फ्लो कर देंगे हम एकदम लो और ऐड करेंगे एक टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। इनको अच्छे से स्टर कर लेंगे और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। उसके बाद हल्का सा गर्म पानी डालेंगे और एक बॉईल पर आने देंगे। एक बार बॉईल पर आ जाए फिर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून टमाटो केचप और 1/4 कप हरे मटर। हरे मटर डालकर अच्छे से स्टर कर लेंगे और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट के बाद 1/4 कप गाजर डालेंगे चॉप करके। गाजर को अच्छे से स्टर करके 2 मिनट के लिए पकने देंगे। फिर ऐड करेंगे 1/4 कप कैप्सिकम और कैप्सिकम को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों मैंने कैप्सिकम को लास्ट में इसीलिए ऐड किया है ताकि उसमें क्रंच रहे। उसके बाद 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे, क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर ऐड करेंगे बॉईल करी हुई मैक्रोनी। मैक्रोनी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते टाइम हल्के हाथों से ही मिक्स करेंगे ताकि मैक्रोनी टूटे ना। इस स्टेज पर एक बार नमक चेक कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था इसीलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है। मसाला मैक्रोनी हमारी रेडी है। अब उसे चीजी बनाने के लिए ग्रेटेड चीज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप चीज ऐड करी है, आप चीज को अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं।
एक टीस्पून कसूरी मेथी, दो टीस्पून ओरिगेनो, एक टीस्पून चिली फ्लेक्स और हल्का सा फ्रेश धनिया डाल के 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक के पकने देंगे। पांच मिनट हो चुके हैं ढक के पकाते हुए और ये देखिए दोस्तों, हमारी चीजी मसाला मैक्रोनी रेडी है। चलिए सर्व कर लेते हैं। देखा आपने कितना आसान है चीजी मसाला मैक्रोनी बनाना। बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में और बच्चों को आप एक बार खिलाओगे तो वो बार बार आपसे यही बनवाएंगे। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक बार मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके चीजी मसाला मैक्रोनी बनाएं और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको एंड आपके घर में सबको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।